फिर वाव है, फिर ये। लेकिन हम भी कम शमसी जो है इसको समझना आसान है। देखिए ता और सा, ता और सा ये दो, फिर जीम हा खा यहां आएगा, लेकिन खा के बाद जो है कंटिन्यूअसली 10 लेटर्स दा जा रा जा सीन शीन सौत जौत और ता जा, ये कंटिन्यू 10 आ गए। और ऊपर जो है ता और सा हो गए 12, और नीचे नीचे लाम नून लन मीनस हो गए 14। ये 14 याद रखना इजी है, इनके बाद जो 14 बचते हैं वो हरूफ कमरी है, वो हरूफ कमरी है, यानी उनसे शुरू होने वाला जो भी वर्ड होगा, जो भी कलमा होगा, जब उसके साथ इल्ज़ाम लगेगा तो आप लाम को नहीं, जब तो लाम को आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम वापस आएंगे उस स्लाइड पर, उस पेज पर जिसको हमने छोड़ा था। हाँ, तो ये है इक्रा वक्तु, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट। देखिए बा से शुरू होने वाला कलमा, बा चूंकि हम पे कमरी है तो हम लाम को नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सॉरी लाम को पढ़ेंगे अल बाबू, अल बाबू। ता से शुरू होने वाला कलमा है अत्ताजिरो, नून से शुरू होने, ये शमसी है अन्नजमो, अन अलकमर, कॉफ से शुरू होने वाला, ये हरफ कमरी आता है अदीप, दाल हरफ शमसी है तो लाम को नहीं पढ़ा जाएगा, अलमाउ मीम हरफ कमरी है उसको पढ़ा जाएगा लाम को, यहाँ असरीरो सीन हरफ शमसी है लाम को नहीं पढ़ा जाएगा, अलबाइतु बा हरफ कमरी है लाम को पढ़ा जाएगा, अलमस्जिदो मीम हरफ शम कमरी है लाम को पढ़ा जाएगा, अलरजुलु रा हरफ शमसी है लिहाजा लाम को पढ़ा नहीं जाएगा, असुक्का सीन हरफ शमसी है लाम को नहीं पढ़ा जाएगा, अलवरको वाव जो है कमरी है लिहाजा लाम को पढ़ा जाएगा। इसको जरा वो चार्ट जो मैंने दिखाया जो इसके बाद पेज नंबर शायद 19 पर है, उसको आप पूरी तरह से याद कीजिए, पूरी तरह देखिए आप, तो उसके बाद आप इंशाल्लाह इसमें कहीं गलती नहीं करेंगे। आप फिर से वही खाली जगह है जो ऊपर आपको दिखाई थी, दिखाई मैंने पढ़ाई थी, इमला अल फरो खाली जगह को पूर करो, फी माली फरो इन विवाजी कलमत मुनासबत विद विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड। गनीजन मालदार, तो हम क्या लिखेंगे अत्ताजिरु, द मर्चेंट इज गनीजन, द मर्चेंट इज डैश 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 हुलवुन स्वीट, हुलवुन मीन्स स्वीट मीठा, तो हम कहेंगे अल 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 अत्तुफाहु हुलवुन द से अत्तुफा या अल्लबनु, ठीक है अल्लबनु हुलवुन दूध मीठा है, मरीज बीमार, अत्तालिबु 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 मरीज अत्तालिबु मरीज अत्तालिबु मरीज द स्टूडेंट इज इल डैश 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 अल 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 लजीज डैश 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 अत्तुफाहु लजीज एप्पल द एप्पल इज डिलीशियस लजीज मीन्स डिलीशियस बहुत ही मजेदार, तवील अल मुदर्रिसु तवील द टीचर इज टॉल टीचर जो है वो लंबा है डैश डैश कसीर इसका अपोजिट शॉर्ट पस्त कर अत्तबीबु कसीर डॉक्टर इज द डॉक्टर इज शॉर्ट वो पस्त कर का मालिक है। आगे बढ़िया एक तौर पर मतलब मैंने कहा मतलब बा मैं कॉलम बी में से एक कलमा चूज कर रहा है तो मुनासिब कलमा अतति फिर कलमत हमजा जो उस कलमे के मुनासिब होगा जो हमजा में कॉलम हमजा में है, कॉलम ए में जो है कॉलम बी में से उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड देखिए, ये देखिए अत्तालिबु द स्टूडेंट इज मरीज इज मरीज अत्तालिबु मरीज ठीक है। अद्दुकान अद्दुकानो अद्दुकानो मफ्तूहुन दुकान खुली हुई है अद्दुकानो मफ्तूहुन अद्दुकानो मफ्तूहुन अत्तुफाहु एप्पल द एप्पल इज लजीज अभी हमने पढ़ा था अत्तुफाहु लजीज अलमाउ बारिदुन या बारिदुन का यह ऑप्शन है हारुन अलमाउ हारुन द वाटर इज हॉट अलहजरु सकीलुन सकीलुन अलहजरु सकीलुन अलकलमु अलकलमु मकसूरुन द पेन इज ब्रोकन ठीक है। तो ये है मैच कॉलम ए विद कॉलम बी जिसको आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। आगे बढ़िए कलमात जदीदा जो अपने नए कलमात इस लेसन में सीखे हुलवुन मीन स्वीट
मरीजन मीनस बीमार, दुकान मीनस दुकान शॉप, गनीर मीनस मालदार, तवीलन मीनस टॉल लंबा, फकीरन मीनस जो है पुअर, डेस्टिट्यूट, कसीरन मीनस शॉर्ट, अतुफाह मीनस द एप्पल। ये है चार अलहरूप अल कमरिया वाल हरूप अशमसिया जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये आपको पढ़ना है। इसकी तमीन शॉर्ट तमीन है, बस यहाँ पे आपको यही करना है जो मैं दो मिनट में खत्म करने जा रहा हूँ कि आप इस इन ये जो है बा से शुरू होने वाला कलमा दाल से या हरूप कमरी से शुरू होने वाले कलमे इसमें है और हरूप कमरी से शुरू होने आपको खुद ही देखना होगा कि मैं लाम कहाँ पढ़ूंगा और कहाँ नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, अलबैतो अलबैतो यहाँ बा हरूप कमरी है तो लाम पढ़ा जाएगा, अद्दीको दाल हरूप शमसी है तो लाम भी पढ़ा जाएगा, अलमुदर्रिस बीम हरूप कमरी है, अलबाब बा हरूप कमरी है, अत्तारी ये हरूप शमसी है, असुक्कर ये भी हरूप शमसी है, अद्दफ्तर ये भी हरूप शमसी है दाल भी, अलअखो हरूप कमरी है हमजा हमजा शुरू होने वाला, अर्रसूल रा हमजा तो ये हरूप शमसी है तो अर्रसूल लाम को नहीं पढ़ेंगे, अलवजो वा हरूप कमरी है तो लाम को पढ़ेंगे, अस्सदीक अस्सदीक सवाद हरूप शमसी है लिहाजा लाम को नहीं पढ़ेंगे, अलकुरान कौफ हरूप कमरी है लिहाजा लाम को पढ़ेंगे, अस्सलात अस्सलात सवाद हरूप शमसी है लिहाजा लाम को नहीं पढ़ेंगे, अलकअबतु कैफ हरूप कमरी है लिहाजा इस लाम को पढ़ेंगे, अर्रासु फिर से रा हरूप शमसी लाम को नहीं पढ़ेंगे, अलइस्बउ उंगली अलइस्बउ उंगली हमजा से शुरू होने वाला कलमा लिहाजा वो कमरी है लिहाजा लाम को पढ़ेंगे, असाबुन फिर से सवाद आ गया, अज़ुफ्रु मीन्स नाखून नेल है नाखून जो है, अज़ुफ्रु लाम को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़ा हरूप शमसी है, अलफज्रु आ हरूप कमरी है लाम को पढ़ना पड़ेगा, अज़ुहरु बैक कमर है पीठ, अज़ुहरु ज़ुहरु ज़ा जो है हरूप शमसी है लाम को नहीं पढ़ना है, अलअस्रु ऐन हरूप कमरी है लाम को पढ़ना है, अलमग़रिबु मीम हरूप कमरी है लाम को पढ़ना पड़ेगा, अलइशाउ ऐन भी हरूप कमरी है लिहाजा लाम को पढ़ना पड़ेगा। ये है आज दो चीज़ें आपने सीखी, एक डेफिनिट आर्टिकल था, दूसरा हरूप कमरी और हरूप शमसी में फ़र्क, जब इनके साथ डेफिनिट आर्टिकल इल्फ़ाम लगता है तो आपको लाम को कहाँ प्रोनाउंस करना है और कहाँ प्रोनाउंस नहीं करना है। और एक चीज़ जो अलिफ लाम है या अलिफ जो है हमज़तुल वसल है, हमज़तुल वसल को हम सेंटेंस की बिगनिंग में पढ़ेंगे लेकिन सेंटेंस के बीच में नहीं पढ़ेंगे। इसी से आज हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है ख़त्म हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।